उधर शक्ति वंदन सुरक्षा सम्मान और स्वास्थ्य के तहत एनेक्सी भवन सभागार में स्वयं सहायता समूह की महिलाओं को सरकार की योजनाओं के बारे में जानकारी दी गई। कार्यक्रम में बतौर मुख्य अतिथि सदर सांसद रवि किशन, बीजेपी महिला मोर्चा की पदाधिकारी सहित सैकड़ों की संख्या में स्वयं सहायता समूह की महिलाएं मौजूद रहीं। प्रदेश की महिलाएं बेटियों को बेहतर सुविधाएं और उनकी समस्याओं का तेजी से समाधान करने के लिए वन स्टॉप सेंटर और महिला शक्ति केंद्र समन्वय से काम कर रहे हैं। इसके अलावा महिलाओं से संबंधित गतिविधियों के लिए वन स्टॉप सेंटर को हब के रूप में विकसित किया गया। उन्हें सुरक्षा और सशक्तिकरण के लिए सभी सेवाएं एक ही छत के नीचे मिल रही है। मैडम यहाँ देखिए, आइए यहाँ देखा, यहाँ देखिए, जी का जो सरकार बा, मोदी जी का सरकार बा, योगी जी का सरकार बा, जैसे बेटी पैदा होती है ओकरे ब्याहे तक का जिम्मेदारी भारतीय जनता पार्टी लेती है। बेटी पैदा हो से लेके ब्याहे तक का जिम्मेदारी हमनी के बा, ओकर हर चिंता, पढ़ाई लिखाई जो कुछ करना है बेटियों के लिए सरकार पूरा खजाना खोल लेगा। ये नारी शक्ति, क्योंकि आप सरकार मोदी जी के भी मालूम बा कि 140 करोड़ की आबादी बा, 140 करोड़ में 50% आबादी तो महिला लोग, और महिला लोगन के छोड़ के विकसित भारत का सपना, ये भारत के विश्व गुरु बनाए का सपना पूरा नहीं किया। इस संबंध में सिटी वन संवाददाता से बात करते हुए वन स्टाफ की केंद्र प्रबंधक पूजा पांडे ने बताया, हमारी सरकार जो है महिलाओं के सशक्तिकरण के लिए बहुत सारी योजनाएं और कार्यक्रम चला रही है, जिसके लिए मैं शासन का जो है शुक्रिया भी अदा करना चाहती हूँ। मैं खुद वन स्टॉप सेंटर महिला कल्याण विभाग की केंद्र प्रबंधक हूँ, और देखा जाए तो ज़िले में महिलाओं के सशक्तिकरण के लिए, उनको आगे बढ़ाने के लिए, उनको किसी भी तरह की समस्या ना हो उसके लिए बहुत सारे कार्य किए जा रहे हैं। इसी में एक योजना है वन स्टॉप सेंटर, जिसमें महिलाओं को एक ही छत के नीचे, किसी भी हिंसा से पीड़ित महिला हो उसको एक ही छत के नीचे विधिक, पुलिसिंग, मेडिकल, आवास, 5 दिन के आवास की और रोजगार संबंधी बहुत सारी सुविधाओं को प्रदान किया जाता है। और इसी के प्रचार प्रसार हेतु हम सभी लगे हुए हैं, और ये एक आम नागरिक की भी जिम्मेदारी है कि वो महिलाओं को आगे बढ़ाने के लिए, उन्हें कंधे से कंधा मिला के चलने के लिए प्रोत्साहित करें। आज एनेक्सी भवन में कार्यक्रम किया गया था महिलाओं को जागरूक करने के लिए, क्या था उसके तहत कार्यक्रम? ये कार्यक्रम, ये सारे बहुत ही अच्छे कह सकते हैं कि बहुत उन्होंने एक इनिशिएटिव लिया, मतलब सभी इनिशिएटिव लेते हैं, और जब हमारे जनप्रतिनिधि इनिशिएटिव लेते हैं ना किसी काम के लिए, तो उसका बहुत सकारात्मक रूप समाज में सामने आता है। और मैं चाहूँगी कि इसको सभी एक पॉजिटिव वे में ले और हम मिल के